हेलो एंड वेलकम गाइस, यू आर वाचिंग कॉमर्स स्टाइलिंग। अच्छी और ग्लोइंग स्किन हर कोई पाना चाहता है, पर हम सभी कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से हमारी स्किन डल और बेजान हो जाती है। जैसे कि एक अच्छे डाइट का ना लेना, अपनी स्किन की केयर ना करना, या फिर स्किन केयर कैसे करना इसके बारे में पता ना होना। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी स्किन चमकदार और ग्लोइंग हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उठते के साथ ही आपको सबसे पहले एक गिलास पानी पीना है। अगर रात में आप किसी तांबे के बर्तन में पानी डालकर छोड़ देते हो और सुबह उसको पीते हो तो उससे आपको काफ़ी सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही करता है और आपको बीपी जैसी बीमारियों में भी काफ़ी सारे फायदे देने वाला है। इसके बाद आपको CTM प्रोसेस फॉलो करना है। CTM मतलब क्लिंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। क्लिंजिंग, इसके लिए आपको एक फेस वॉश लेना है जो कि आपकी स्किन टाइप का हो। जैसे आपकी स्किन ऑयली हो सकती है, ड्राई हो सकती है, कॉम्बिनेशन हो सकती है, तो आपको अपनी स्किन टाइप का एक फेस वॉश लेना है। उसके बाद आता है टोनिंग। टोनिंग के लिए आप गुलाब जल ले सकते हो, गुलाब जल किसी भी कंपनी का हो चलेगा। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजिंग। आपको एक मॉइस्चराइजर लेना है जो कि आपकी स्किन टाइप का हो। उसके बाद अगर आप बाहर जाते हो, जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो या फिर आप किसी भी काम से बाहर जाते हो, तो आपको एक सनस्क्रीन जरूर लेना है। सनस्क्रीन ऐसा होना चाहिए जिसका SPF फैक्टर मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 से 50 के बीच में हो। उसको अप्लाई करके ही बाहर निकलना है। इस रूटीन को आपको डेली बेसिस पे फॉलो करना है, पर कुछ चीज़ें जिसे आपको वीक में 2 से 3 बार जरूर करना है। जैसे आपको एक बाउल लेना है, नया पुराना कोई सा भी हो चलेगा, उसमें आपको थोड़ा पानी लेना है और कुछ आइस क्यूब्स उसके अंदर डालनी है। उसके बाद उसमें आपको अपने फेस को डिप करना है। 5 से 10 सेकेंड के लिए डिप करें और 6-7 बार करें, बहुत है। इस बात का खास ध्यान रखें, जब भी आपका फेस पानी के अंदर हो तो अपनी सांस को रोक के रखनी है, सांस मत लेने लगना वरना पानी आपके अंदर जा सकता है। इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हो। स्टीम के लिए आपको बाहर नहीं जाना है, एक बाउल में या किसी बर्तन में पानी गर्म करना है और उसको अपने फेस से थोड़ी दूरी पर रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका फेस टच ना हो वरना आपका फेस जल सकता है, उससे आपको स्टीम लेना है। उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक भी घर पर बना सकते हो। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाने के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, बेसन और थोड़ी सी हल्दी की जरूरत पड़ेगी जो कि आपके घर में अवेलेबल होने वाली है। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो ये कुछ रूटीन्स है जिसको फॉलो करके आप अपनी स्किन को चमकदार और ग्लोइंग बना सकते हो। अगर आपको नाइट स्किन केयर रूटीन चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।